हेलो, सेल्फ सॉल्यूशन वाला यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत है। आज हम बात करेगा जो मोबाइल फ़ोन कितना टाइप से ऑफ हो रहे हो। कोई कोई मोबाइल सिम कार्ड डालने के साथ साथ ऑफ हो रहे हो, कोई कोई मोबाइल जो कॉल आने का टाइम, कभी कभी जाने का टाइम, कभी कभी थोड़ा चलाने के बाद कैसे भी ऑफ होने का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसके बारे में आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पूरा शुरू से एंड तक देखेगा तो आप लोगों को फायदा ही है। चलिए वीडियो के अंदर आ जाओ। दुनिया में कौन सा भी फ़ोन है, आज अगर एंड्रॉयड फ़ोन हो, अगर कीपैड फ़ोन हो, अगर टैब हो, कोई कौन सा कंपनी का है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी फ़ोन आप लोगों का जो रीस्टार्ट हो रहे हो, कभी ऑफ हो रहे हो, कभी सिम डालने के बाद ऑफ हो रहे हो, ऐसा वाला पूरा मोबाइल का स्विच ऑफ का बारे में पूरा बताना वाला है ये वीडियो में। अगर आपके पास कोई फ़ोन आया, ये बार बार रीस्टार्ट हो रहे नहीं है तो ऑफ हो रहे हो, कभी कभी टाइम ऑफ हो रहे हो, ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोगों को पहले ये फ़ोन एक बार रिस्टार्ट करके देखना पड़ेगा। रिस्टार्ट मतलब फ़ोन एक बार लॉन्ग प्रेस पावर स्विच में प्रेस करो, फिर रिस्टार्ट करके देखो। फिर भी आपका प्रॉब्लम सेम है तो आप लोग फैक्ट्री रीसेट करो। फैक्ट्री रीसेट मतलब इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है पूरा डिलीट करना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाएगा, आप लोगों को फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। अलग अलग फ़ोन में अलग अलग प्लेस में इसके सेटिंग पड़ा हुआ। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके अंदर आप लोगों का गूगल आईडी होएगा। गूगल आईडी मतलब जीमेल आईडी, सेटिंग्स में जाएगा तो जीमेल आईडी भी दिखाई देगा। जीमेल आईडी का ऑप्शन, उधर से आप लोगों को जीमेल आईडी डिलीट करने का पहले, जो फैक्ट्री रीसेट करने का पहले, क्यों कोई कोई मोबाइल में रीसेट करने के बाद ये आईडी का बिना ये नहीं खोल सकते, इसलिए पहले ये रिमूव करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा एक नया डाल सकते हो। ये नहीं, आप लोग पहले नहीं डिलीट करेगा, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। फिर भी आप लोगों को निकाल सकते हो, वो तो बाईपास करना ही पड़ेगा, इसलिए उससे पहले आप लोग फ़ोन खोल के सेटिंग्स में जाओ। आप लोगों को गूगल आईडी में जाओ, जीमेल का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर से आप लोगों को जीमेल आईडी जितना भी है, एक है, दो है, दोनों सब आईडी निकालो, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट करो। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसमें कुछ वायरस है ऐसा वाला कोई प्रॉब्लम है तो भी आप लोगों को उसमें से बचा सकते हो। उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम कलर्स नहीं हो रहे हो बार बार, कोई कोई टाइम कोई एप्लीकेशन पकड़ने का टाइम रीस्टार्ट हो रहे हो, स्लो हो रहे हो, हैंग हो रहे हो, ऐसा वाला प्रॉब्लम है तो आप लोगों को एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। इसका जो भी कोई भी मोबाइल का है ये तो भी, उसका सेटिंग्स में जाओ, उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखने का। इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम नहीं क्लास हो रहे हो, जो रीसेट फैक्ट्री रीसेट करेगा, फैक्ट्री रीसेट करेगा तो आप लोगों का प्रॉब्लम क्लास होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि इसमें कोई कोई पहले वाला का मोबाइल है तो छोटा छोटा एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ करता था पहले, अभी तो नया नया बहुत स्पेस वाला जो गेम का एप्लीकेशन आया वो उस फ़ोन में, जो पहले का फ़ोन में डालने के वजह से कभी रीस्टार्ट हो रहे, हैंग हो रहे, ऐसा वाला प्रॉब्लम आते हो, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ भी होते हो। अगर आप लोग ये फैक्ट्री रीसेट किया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम क्लास नहीं हो रहे तो आप लोग चेक करने का सीधा बैटरी,
बैटरी का क्या प्रॉब्लम हो सकती है मालूम है? बैटरी का एम्पियर का प्रॉब्लम हो सकती हो। एम्पियर का प्रॉब्लम है तो आप लोगों को चालू करने का टाइम मोबाइल चालू होएगा, उसके बाद कभी कभी नेटवर्क पकड़ने का टाइम, कभी कभी कॉल आने का टाइम ऑफ होएगा, ऐसा वाला। जो एम्पियर नहीं है तो जो ये देखो 3.8 वोल्टेज चाहिए मोबाइल चालू होने का, लेकिन वो बैटरी का एम्पियर है, एम्पियर मतलब कैपेसिटी है, वो नहीं है तो कोई कॉल आने का टाइम ऑफ होएगा। दोबारा आप लोग चालू करके देखेगा फुल चार्ज भी दिखाएगा। बैटरी का कंप्लेंट यही है, कभी भी देखो आप लोग का फ़ोन कभी ऑफ होएगा, चालू करेगा तो फुल चार्ज नहीं है तो ज़्यादा चार्ज बताएगा, बैटरी एम्प्टी नहीं बताएगा। अगर ये भी मानो आप लोग एक नया, कोई कोई आदमी लोगों को ये डाउट है, नया बैटरी डालने का बाद चार्ज करने का बहुत टाइम लेते हो, बहुत टाइम से चार्ज हो रहे हो, पहले के बैटरी जल्दी चार्ज हो रहा था, ऐसे ही कस्टमर बोलने का मेरा काज में सुना बहुत बार, ऐसा बहुत टाइम से बैटरी चार्ज हो रहा है मतलब हमारा बैटरी अच्छा है, ये सोचो बैटरी अच्छा है इसलिए बहुत टाइम से चार्ज लगा के रखना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, से तो बैटरी अच्छा है। अगर बैटरी बुरा है तो आप लोगों को डालेगा 10-15 मिनट के बाद चार्ज फुल होएगा, एक कॉल करने के टाइम मोबाइल ऑफ होएगा, दोबारा चालू करेगा भी बैटरी फुल दिखेगा। ऐसा ये आप लोगों का प्रॉब्लम है तो पहले आप लोग एक बार बैटरी बदली करके ही देखना ही पड़ेगा, बैटरी का प्रॉब्लम का वजह से ऐसा वाला कंप्लेन ज़्यादा दिख रहे हो। ऐसा ऑफ होने का एक भी कारण है वो शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग मतलब मैं थोड़ा लिखा के दिखाएगा आप लोग, ये तो प्राइमरी शॉर्टिंग नहीं है ऐसा वाला। प्राइमरी शॉर्टिंग कभी भी हम लोगों को ईजिली निकाल सकते हो, जो सेकेंडरी शॉर्टिंग, सेकेंडरी शॉर्टिंग मतलब यही है, ये पावर आईसी समझो, ये बैटरी कनेक्टर समझो, बैटरी कनेक्टर से पावर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी आईसी में आ रहे हो, जो पावर आईसी में आना ही चाहिए। इसके बाद ऑडियो के लिए एक लाइन जाएगा, सीपीयू के लिए एक लाइन जाएगा, किधर भी वाईफाई के लिए इधर जाएगा, किधर भी जाने वाला जगह में वो उसी जगह में शॉर्टिंग है तो इसको बोल रहे हो सेकेंडरी। ये प्राइमरी का शॉर्टिंग जल्दी, इधर एक कैपेसिटर है तो ये शॉर्टिंग जल्दी निकाल सकते हो, जो सेकेंडरी शॉर्टिंग इतना जल्दी नहीं मिल रहे हो, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला है। जो सेकेंडरी शॉर्टिंग है तो भी आप लोगों को ये हाफ शॉर्टिंग बताएगा, हम लोग बैटरी कनेक्टर में चेक करने के टाइम हाफ शॉर्टिंग दिखाएगा, इसके बारे में भी फ़ोन ऑफ होने के लिए चांसेस ज़्यादा है। ये अलग अलग कंपनी का, अलग अलग मॉडल का टाइप का अनुसार थोड़ा डिफरेंस है, फिर भी कॉमनली कुछ बात तो बोल सकते हो, वो मैं अगले वाला वीडियो में इंक्लूडेड करेगा। फिर भी आप लोग ऐसा भी देखो, जो शॉर्टिंग है हाफ शॉर्टिंग थोड़ा भी शॉर्टिंग है, ये देखने का शॉर्टिंग है तो आप लोगों को निकालने के लिए ट्राई करने का, पहले शॉर्टिंग आप लोग ये देखने का, वो एक मोबाइल खोलेगा, कोई भी मदरबोर्ड खोलेगा, आप लोग ये देखने का किधर भी इसका पानी का निशान है, प्रॉपर देखने का पानी का निशान है तो वो जगह कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग है नहीं है, प्रॉपर देखेगा तो आप लोगों को ज़्यादा तरफ शॉर्टिंग, सेकेंडरी शॉर्टिंग ऐसा निकाल सकते हो। फिर दूसरा बात, कोई कोई मोबाइल में ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आ रहे हो, अगर चालू करने के टाइम लोगो आ रहे हो, बाद में ब्लिंकिंग कर रहे हो, आगे नहीं जा रहे हो, ऐसा वाला प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा ये बोलेगा। पहले हार्ट रीसेट करके देखने का, वो तो बोला ना हार्ट रीसेट करने का ही है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है ये देखने का ही है, बैटरी का प्रॉब्लम है ये देखने का ही है, ये पूरा बताया ना। फिर पावर स्विच, इसका पावर स्विच कुछ शॉर्ट है,
शॉर्ट है तो बार बार स्टार्ट होएगा, रिस्टार्ट होएगा, ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे हो। अगर लोगो ब्लिंक होने का प्रॉब्लम भी, पावर स्विच का भी, वॉल्यूम स्विच का भी आ रहे हो, वो भी देखने का। आपका ये स्ट्रिप पे, इसके अंदर पानी तो कुछ गिरा नहीं है, स्ट्रिप नहीं है, स्विच है तो भी इसका कोई स्विच के वजह से, उसका सर्किट के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा चेक करने का। अगर स्विच का लाइन में भी कोई कैपेसिटेंस, कोई कंपोनेंट्स ऐसा लीक है तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हो। वो तो ज़्यादा आ रहे हो ऐसा वाला कंप्लेन जो सैमसंग का पहले वाला मोबाइल में ज़्यादा आ रहा था, अभी भी सैमसंग का फ़ोन में ज़्यादा ये दिख रहे हो। उसके बाद सैमसंग का बात बोलेगा तो हार्ड डिस्क का भी हो सकते हो, हार्ड डिस्क जो मेमोरी का जो आईसी है उसका भी हो सकते हो, जो स्पेस के लिए रखा हुआ वो हार्ड डिस्क का कंप्लेन भी आ सकते हो। उसके बाद ये प्रॉब्लम आप लोगों को चेक करने का, आप लोगों का टच पैड अगर नया लगाया, ये तो नया ये कोई कंप्लेन नहीं दिख रहे हो, फिर भी टच लगाने के बाद आप लोगों को रीस्टार्टिंग शुरू किया, ऐसा भी मेरे को बहुत बार प्रॉब्लम्स मिला हुआ। टच का जो टच प्रॉपर होएगा, मतलब ये कॉपी टच डालने का वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती हो। फिर भी आप लोग टच का कनेक्टर में कोई गिड़बड़ है ये भी चेक करो, उसका कनेक्शन से भी मेरे को मिला ये कंप्लेंट, इससे थोड़ा ध्यान रखो। सडनली ऑफ हो रहे हो प्रॉब्लम का, मैं बोला पावर स्विच ध्यान में रखने का, वॉल्यूम स्विच जो सैमसंग है तो वॉल्यूम स्विच शॉर्ट नहीं है, लोगो आके रुकेगा, वॉल्यूम स्विच में थोड़ा शॉर्ट है तो ये ऐसे ही लोगो आके रुकेगा। इसके लिए आप लोग ये स्विच पहले चेक करो, फिर बैटरी, बैटरी एम्पियर वाला है अच्छा वाले नहीं नहीं है तो आप लोगों को ये कर सकते हो, पावर सप्लाई में लगा के चेक कर सकते हो, उसी टाइम ऑफ हो रहे हो नहीं है थोड़ा चेक करने का, नहीं है तो अच्छा वाला एक बैटरी डाल के ही चेक करने का। नया बैटरी डालने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, नया बैटरी भी बेकार बैटरी आ रही हो, जो पुराना हमारा पहले लगा हुआ उससे भी बहुत कम एम्पियर का आ रहे हो, लिखा हुआ 15,000 एम्पियर का है लेकिन 1,000 एम्पियर भी उसमें नहीं है, ऐसा भी मेरे को बहुत बार मिला। इसलिए भरोसा नहीं करो बैटरी के ऊपर, आप लोग ये मशीन से चेक करेगा अच्छा है। पावर सप्लाई मशीन नहीं है तो आप लोगों को बैटरी दूसरा एक डाल के देखना ही पड़ेगा। फिर आप लोगों को नेटवर्क नहीं आ रहे हो, रीस्टार्ट हो रहे हो, ऐसा वाला प्रॉब्लम दोनों एक साथ आएगा तो आप लोग पहले चेक करने का उसका IMEI नंबर, फ़ोन चालू करके रखो, डायल पैड में क्लिक करो, *#06# दबाओ, उसी टाइम आप लोगों को उसका IMEI नंबर मिलेगा। उसमें जो क्वेश्चन मार्क है, दो सिम कार्ड डालने वाला है तो दो IMEI नंबर होएगा, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है 0000 ए, अगर NIL ऐसा है NIL लिखा हुआ होएगा ऐसा है तो पूरा IMEI कंप्लेंट है, IMEI कंप्लेंट है तो IMEI नंबर राइट करना पड़ेगा। वो कौन सा ये ऐसा नहीं बोल सकते, एक एक अलग अलग फ़ोन का अलग अलग सॉफ्टवेयर से लोडर से तो कर रहे हो, इसलिए कौन सा मॉडल है आप लोग देखो। आप लोगों को ये फैक्ट्री रीसेट करने के लिए माल नहीं है तो आप लोगों को यूट्यूब में आप लोगों को मिलेगा इसका मॉडल नंबर, जो भी फ़ोन का मॉडल नंबर है वो लिखो, हार्ड रीसेट लिखो, आप लोगों को कैसे रीसेट कर रहे हो वो मिलेगा। ये तो ये तीनों बटन से कर रहे हो, वॉल्यूम अप डाउन पावर की कोई कोई मेनू की, ये चारों बटन ज़्यादा इसमें तीन बटन यूज़ कर रहे हो, एक तो छोट के यूज़ कर रहे हो, अलग अलग फ़ोन का अलग अलग तरीके होते हो। अगर रीसेट करने के लिए माल नहीं है तो आप लोगों को ऐसा भी कर सकते हो।
फिर मैम बोला ना ऐसा कोई प्रॉब्लम, चालू करके रखेगा को थोड़ा टाइम के बाद ऑफ हो रहे हो, बैटरी फुल है फिर भी ऑफ हो रहे हो, फिर भी चालू करने के टाइम भी बैटरी में कोई कमी नहीं है, फुल है ऐसा है तो फुल है, कभी पहले जो था उससे भी ज़्यादा होएगा ऐसा है तो कोई कोई लोग यही सोच रहे हो ये बैटरी प्रॉपर है, नहीं वो बैटरी बिल्कुल ख़राब है, वो दूसरा डालो आपका प्रॉब्लम क्लास होएगा। फिर और एक मेन बात, सबसे लास्ट बात, ये आप लोगों को जो सिम कार्ड के लिए छः कनेक्शन होते हो, छः कनेक्शन में जो छः कनेक्शन होते हो सिम कार्ड डालने का टाइम ऑफ हो रहे तो ये आप लोग ज़रूर चेक करने का, छः लाइन होते हो, छः लाइन में एक लाइन आपको मिलेगा वोल्टेज का लाइन, जो सिम कार्ड वर्क करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए उसका लाइन मिलेगा, वो भी अलग अलग, कोई उल्टा डाल रहे हो सिम ऐसा नहीं बोल सकते हो, ये पिन नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हो, कोई एक पिन, वो पिन से आप लोगों को पावर आईसी तक कनेक्शन जा रहे हो, पावर आईसी तक ये कनेक्शन जाएगा, वो पावर आईसी से आ रहे हो उसका वोल्टेज, इसलिए पावर आईसी से वो वोल्टेज में कुछ लीकेज होएगा, कोई कैपेसिटर पावर आईसी से आ रहे हो वो कनेक्शन में कोई लीकेज होएगा, बार बार फोन रिस्टार्ट होएगा, फ़ोन करने का टाइम ऑफ होएगा, नेटवर्क पकड़ने का टाइम ऑफ होएगा, कभी सिम कार्ड डालने का साथ साथ भी ऑफ हो रहे हो, वो उसका मेन प्रॉब्लम ये हो सकते हो। आप लोगों को ऐसा एक प्रॉब्लम है तो आप लोगों को इसका लाइन चेक कर सकते हो, नहीं ये तो पानी गिरा वाला फ़ोन है तो आप लोगों को पावर आईसी थोड़ा उठाना पड़ेगा, उठा के आप लोगों को क्लीन करके फिर लगाना पड़ेगा, फिर भी आपका प्रॉब्लम नहीं क्लास आ रहे हो, पावर आईसी निकालो, निकाल के इसका बोल्ट पूरा, ये तो बोल्ट थोड़ा ख़राब होएगा, बोल्ट खराब मतलब ये लेट प्रॉपर नहीं होएगा, इसलिए इसका कंटिन्यूटी प्रॉपर नहीं होएगा, इसलिए आप लोग ये रिबोल्डिंग करो फिर लगाओ, बोर्ड से भी निकालने का बोल्ट, आईसी से भी निकालने का बोर्ड, फिर सीधा तरफ लगाएगा तो चलेगा, आपका प्रॉब्लम क्लास होएगा, इसमें ज़्यादा तरफ नहीं डैमेज आईसी पावर आईसी का नहीं हो रहे हो, पावर आईसी का ये प्रॉब्लम इसका लेक का वजह से हो रहे हो, जो पानी गिरा हुआ तो इसके अंदर कचरा जमा करके कुछ शॉर्टिंग होके ऐसे हो रहे हैं, इसका लाइन भी आप लोग याद में रखो, ऐसा इसका जो सिम कार्ड का ये पिन में आने वाला लाइन आप लोग ज़रूर चेक करो, उसमें कोई भी कैपेसिटर लगा हुआ उसमें थोड़ा लीकिंग है, वो आप लोग ज़रूर चेक करो, उसके लिए आप लोगों को बोर्ड से कैपेसिटर निकालना पड़ेगा। आप लोगों को कैपेसिटर कैसे चेक कर रहे हो, मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहे हो माल नहीं है तो आप लोगों को हमारा कैपेसिटर ट्रांजिस्टर डायोड कोइल्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एसएमडी कंपोनेंट से आप लोगों को सीधा हमारा चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, एसएमडी कंपोनेंट्स चेकिंग बोल के एक फोल्डर है, उसमें सारा चीज़ आप लोगों को कैसे चेक कर सकते हो, उसका क्या है रोल, इसका कैसे वर्क कर रहे हो, इसके पूरा इसके बारे में बताया हुआ, आप लोगों को टाइम का अनुसार वो पूरा वीडियो देखेगा तो आप लोगों का नॉलेज थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। मैं हमेशा मोबाइल का बारे में मोबाइल का टेक्नीशियन को हेल्पफुल होने वाला वीडियोस ये चैनल में डाल रहे हो, इसलिए सब लोग सब्सक्राइब करके रखो। आज का वीडियो इतना ही है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, इसमें इसका वजह से कोई भी जवाब है तो कमेंट करके पूछो, याद में देखो आप लोगों को नोटिफिकेशन करने के मिलने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के रखने का, सब्सक्राइब करके रखने का, बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आप लोगों को सामने आएगा, सबके लिए गुड बाय।